नमस्कार, मैं मृदुला सक्सेना। आज बनाते हैं चुकंदर और गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने ली है चुकंदर, ये वजन में करीब 250 ग्राम है, और वैसे कहें तो 3 कप मैंने ग्रेटेड चुकंदर ली है और 1 कप गाजर, वजन में 100 ग्राम। इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। चीनी 125 ग्राम ली है मैंने। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैं कम ही लूँगी 125 ग्राम। और कुछ मैंने ड्राई नट्स कट करके लिए हुए हैं, और ये है छोटी इलायची का पाउडर। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बिल्कुल घी के बगैर मैं इसको बनाऊंगी। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आग जला दी है और मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम ये सारा ग्रेटेड किया हुआ चुकंदर और गाजर डाल देंगे। वैसे तो चुकंदर कोई खाता नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन आप इसका हलवा बना के खाइए तो ये अच्छा भी लगेगा, और इस तरह से सब इसको खा भी लेंगे। ये खून बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर एनीमिक की प्रॉब्लम है तो उसमें अगर हम इसको कच्चा या ऐसे हलवा बना के खाते हैं तो शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करता है। तो बहुत से लोगों को कच्चा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से आप अच्छे से खा सकते हैं। थोड़ा इसको हम टेस्टी बना रहे हैं। इसका पानी रिड्यूस हो जाए इसलिए मैं इसमें 1-1 चम्मच शुगर डालती जाऊंगी। एकदम से पूरी शुगर नहीं डालेंगे इसमें, और मैं इसमें घी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल भी घी नहीं डालूंगी। आप देखना, ये बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी, इसका कलर भी एज इट इज रहेगा। ये फ्रेंड्स देखिए, पानी छोड़ने लगा है, आप देख रहे होंगे इसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है उसकी वजह से। और इसमें ये गाजर मिलाने से देखिए लाइट और डार्क का कितना प्यारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी देखने में। और जितना ये सुंदर लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको अपनी खाने की लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें पूरी चीनी डाल दूंगी। मावा इसलिए डालूंगी क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत हैवी हो जाता है मावा, और वो स्वास्थ्य के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहता, इसलिए मैं मावा इसमें अवॉइड करूंगी। आप चाहे तो डाल सकते हैं इसको और टेस्टी बनाने के लिए। तो ये करीब वजन में 350 ग्राम है, तो उसमें आप 100-125 ग्राम तक मावा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हलवा आपका बन गया है, देखिए। अब बस हम इसको सर्व करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा हलवा तैयार है।
बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।